तो किसान भाई लोग, क्या आप लोग भी अपने खेत से जंगली सुअर, आवारा पशु, नीलगाय भगाना चाहते हैं? तो बिल्कुल सही वीडियो आपने सेलेक्ट किया है और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को स्किप करेंगे या छोड़ देंगे तो आपको इसमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो नमस्कार किसान भाई लोग, मेरा नाम है पवन कुमार मौर्य, आपका स्वागत है हमारे देसी जुगाड़ टेक चैनल में। तो किसान भाई लोग, अभी इस समय हमारे किसान भाई लोग एकदम ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं जंगली सुअर आवारा पशु से। तो हम आज उसी के विहाप पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और एकदम घरेलू नुस्खा लेके आए हैं, जिसको आप अपने घर पे एकदम आसानी से बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके अपने खेत से जंगली सुअर आवारा पशु, नीलगाय सभी को भगा सकते हैं। तो किसान भाई लोग, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए किसान भाई लोग, हमारे इस समय खेत में जंगली सुअर अगर प्रवेश कर गए तो हमारे सभी फसल को, खास करके आलू के खेत में, मटर के खेत में, ये सब फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आज आपका जो जुगाड़ बना के बताने का सोचा है, वो जुगाड़ आपको 110% आपको रिजल्ट देगा। तो देखिए किसान भाई लोग, सबसे पहले हमें कुछ नहीं, एक आलू का बोड़ी होता है जिसमें आलू आता है, वो मूंज वाला रस्सी जिसमें लगा रहता है, उसी का हमें एक बोड़ी लेना है। और उसके साथ हमें कुछ और सामान, जैसे मिर्च का पाउडर लेना है, और हमारे जैसे मोटरसाइकिल से जो मोबिल, ख़राब मोबिल निकलता है उसका, और यही कुछ आइटम से हम आज का ये जो देसी जुगाड़ बना रहे हैं इसको हमें बना के अपने खेत में लगाना है। तो किसान भाई लोग, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें बोड़ी को अच्छे से बिछा देना है। अब बिछाने के बाद उस पर हम जो मोबिल है, मोबिल को अच्छी तरीके से उस पर हम चारों तरफ उसको गिरा देंगे। गिराने के बाद उसको ऐसा कर देंगे ताकि वो अच्छे से सोख ले। जब सोख ले, उसके बाद हमें उसके ऊपर जो मिर्च का पाउडर है, उस मिर्च के पाउडर को उस पर अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है चारों तरफ, मतलब एकदम भरपूर मात्रा में हमें छिड़काव कर देना है। इतना करने के बाद किसान भाई लोग, हमें क्या करना है उसके बाद जो है, उसके बाद हमें उस बोड़ी को रोल बनाना है, एक जैसे रोल बनाना है, और विथ जितना ऊंचाई पे आपको रखना है उतने ऊंचाई के अकॉर्डिंग आप एक डंडा ले लें, या लोहे का पाइप हो, या लोहे का पाइप लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है आग वगैरह लगने का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, हम उसके बीच में लास्ट सिरे पे एकदम डंडी को रख देंगे। डंडी को रखने के बाद उसको बस वैसे ही जितना आइटम हमने उसमें लगाया है, लगाने के बाद उसको धीरे 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 मोड़ के एकदम रोल बना देंगे। उसको हम दो तीन जगह पे, दो या तीन चार जगह पे हम उसको लोहे का जो GI वाला तार होता है उससे हम जगह जगह पे उसको बांध देंगे। बांधने के बाद उसका एक निचला सिरा जो होगा उसको हमें थोड़ा सा नीचे ज़्यादा निकाल के रखना है। उसको निकालने के बाद किसान भाई लोग, उसमें हम माचिस से आग लगा देंगे। माचिस से आग लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद जब वो जलने लगे, जलने के साथ हमें उसका आग जो जलने वाला सिस्टम, उसको हवा के माध्यम से चाहे जैसे भी उसको बुझा देना है। अब वो धीरे धीरे सुलगता रहेगा। अब उसमें से जो धुआँ निकलेगा, उस धुएँ में कैस्ट्रॉल का या जो भी मोबिल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मोबिल का और मिर्च का और प्लस धुआँ, ये जब एक धुआँ तैयार होगा, इसके वजह से हमारे खेत में जो जंगली जानवर, नीलगाय, आवारा पशु, जंगली सुअर, ये सभी जो है उसके धुएँ से बहुत दूर भागेंगे, क्योंकि उसमें हमने ऐसा ऐसा इंग्रेडिएंट्स मिलाया हुआ है जिसके वजह से वहाँ पे नीलगाय, जंगली सुअर सभी का आना बंद हो जाएगा। तो किसान भाई लोग, ये उपचार आप लोग अपने खेत में अपनाइए, और अपनाने के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है आप लोग इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी देसी जुगाड़ से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विज़िट करिए, हम आपको तमाम वीडियो बना के रखे हुए हैं दिखाने के लिए। और किसान भाई लोग, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर से मिलते हैं एक नए जानकारी